हेलो गाइस, मैं हूं सचिन। तो गाइस, हमारा सफ़र शुरू होता है कुछ इस प्रकार। दिन संडे यानी इतवार, हम जाते हैं हरिद्वार। हम बैठते हैं मंडावली से सीधा मैक्स में हरिद्वार के लिए। जब हम उतरते हैं सीधा जाके चंडीघाट से हम पकड़ते हैं एक ऑटो। ऑटो वाला मांगता है 250, लेकिन हम बात करते हैं उससे, बात करके 150 में ले आते हैं। और वहाँ से सीधा पहुँचते हैं शांतिगुंज में। जाने के बाद हम सीधा गेट पे, वहाँ एक पर्ची बनवानी होती है, वो बिल्कुल फ्री होती है, नो कॉस्ट ऑफ चार्ज। तो गाइज, हम वहाँ से सीधा अंदर जाते हैं पूछ कर। तो वहाँ पे लिखा होता है स्वागत कक्ष, राइट हैंड पर। हम स्वागत कक्ष में जाते हैं और वहाँ पे हम बात करते हैं एक रूम के लिए। बट हमसे एक गलती हो जाती है। वो गलती कुछ इस प्रकार थी कि हमने जब उनसे रूम लिया, हमने सीधा बोल दिया कि हम यहाँ घूमने के लिए आए हैं, मनसा मैया और चंडी देवी। लेकिन हमें ये नहीं पता था वहाँ अगर ऐसा बोलेंगे तो रूम नहीं मिलेगा। तो गाइस, हमने वहाँ पे ये बोल दिया तो हमें रूम नहीं मिला। हमने किसी से बात की, उन्होंने कहा कि तुम्हें ऐसा नहीं बल्कि ऐसे बोलना था कि हम यहाँ दर्शन के लिए आए हैं, शांतिगुंज में दर्शन के लिए आए हैं। अगर हम ऐसा बोलते तो शायद हमें रूम मिल जाता। बट हमें रूम नहीं मिला। कोई बात नहीं, हमारा सफ़र यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, और भी मज़ेदार सफ़र स्टार्ट होता है अब। हम शांतिगुंज में अंदर गए, वहाँ पर हमने नारियल के लड्डू खरीदे। गाइस, लड्डू बहुत अच्छे थे, 190 का रेट था, 190 रुपये किलो। हमें लड्डू लिए, फिर वहाँ से ऑटो पकड़ा और निकल पड़े अपने अगले सफ़र के लिए। तो गाइस, सीधा चंडी मैया की चढ़ाई के लिए ऑटो लिया, जो कि 150 रुपये का फिर ऑटो हमें करना पड़ा, और वहाँ से हमने चढ़ाई की। लेकिन चढ़ाई करने के बाद गाइस, हमसे गलती ये होगी, सफ़र में मज़ा तो बहुत आया गाइस, बट सबसे मेन बात चंडी की जब हमने चढ़ाई की, वो आप वीडियो में देखना, बहुत मज़ा आएगा। लेकिन गाइस, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, जब हम शांतिगुंज में अंदर एंटर हुए, हमें सबसे पहले जो वॉचमैन मिले, दो अंकल, उनकी आदत इतनी अच्छी थी गाइस, वो बहुत प्यार से बात कर रहे थे हमसे, जैसे कि कोई अपना ही बात कर रहा था हमसे। फिर गाइस, हम अंदर गए, वहाँ पर एक भैया मिले हमें, जिन्होंने मिलिट्री के कपड़े पहने हुए थे, शायद वो गार्ड थे, हमें नहीं पता कि वो कौन थे। उन्होंने भी बहुत अच्छे से बात की, और उन्होंने ही हमसे ये बताया था, और लेकिन हमने किसी और से भी बात की थी तो उन्होंने भी ये बताया था। बट गाइस, हमें जो सबसे गलत बात लगी, वो जो स्वागत कक्ष में बैठे थे दो अंकल, उनकी जो उनका नेचर था इतना अच्छा नहीं था। लेकिन फिर जब हम नारियल के लड्डू लेने पहुँचे, तो गाइस वहाँ जो बाबा मिले, उनका नेचर तो भाई बहुत ही अच्छा था। जो हमारे मन में माइंड में बातें चल रही थी, वो सारी एकदम उनसे बात करके शांत हो गई थी। वहाँ का शांतिगुंज में मैं ज़रूर कहूँगा कि आप वहाँ ज़रूर घूमिए, बहुत अच्छा है। वहाँ पे जाके मन एकदम शांत हो जाता है। अगर आपके मन में कुछ आलतू फालतू बात चल रही है, तो वहाँ पे एंटर होने के बाद सब शांत हो जाएगा। तो गाइस, वहाँ पे सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा। लेकिन जो बुरा लगा हमें, वो था स्वागत कक्ष में जो दो बैठे अंकल थे, उन्होंने हमसे कुछ नहीं पूछा, सीधा हमें मना कर दिया कि तुम्हें यहाँ रूम नहीं मिलेगा। तो गाइस, ये सही नहीं हुआ। तो गाइस, उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और ये मोटिवेशन बहुत अच्छा लगा होगा। तो वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।